थोड़ा सा क्लच छोड़ने के बाद ही गाड़ी चलने लगेगा, मुझे एक्सलेशन करने का जरूरत ही नहीं। आजकल के जितने भी बिगिनर राइडर है ना, अपना क्लच प्लेट जो है ना वो जला लेते हैं। 4000 आरपीएम पहुंच जाएगा, आप शिफ्ट कर रहा हूं मैं, देखो। ओके गाइस, बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे अपना बाइक के गियर जो है ना उसको स्मूथली शिफ्ट करना है, सही तरीके से शिफ्ट करना है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। सो गाइस, होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। तो आज कुछ ऐसे लोकेशन पे आके रखा था देखो, एंड बेसिकली अभी मैं जा रहा हूँ उस पहाड़ को, वहाँ पे 2-3 सामान जो है ना डिलीवर करना है, सोचा जाते जाते एक वीडियो भी बना लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो काफी सारे राइडर को रहता है। ये वीडियो गाइस स्पेशली बिगिनर राइडर के लिए, अगर आप प्रो हो तो भी ये वीडियो देख सकते हो, बहुत खुशी आएगा भाई आप ये वीडियो देख रहे हो। तो भाई सबसे पहले सबसे नीचे है इसका एक नंबर, उसके बाद है ये न्यूट्रल, उसके बाद 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स आता है। चलिए गाइस आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड मुझे भी मज़ा आएगा भाई। छोटा छोटा चीज़ जो है ना वो सीखने से अच्छा रहता है। तो बाकी मैं आजकल ज़्यादातर जो है ना बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाने लगा हूँ। चलिए यहाँ से निकलते हैं, पहले बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। जब भी गियर शिफ्ट करते हो ना तो फुल क्लच करके गियर शिफ्ट करना, ऐसे प्लान है ना। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये देखो फुल क्लच करने के बाद स्टार्ट कर दिया मैंने, तो अभी जो है ना मैं डाउन शिफ्ट करूँगा। अभी यहाँ पे प्लान है ना भाई, तो जैसे ही गाड़ी रुकाया मैंने, थोड़ा सा क्लच छोड़ने के बाद ही गाड़ी चलने लगेगा। ये देखो मुझे एक्सलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं, मैं आराम से 2, 3, 4 लगा सकता हूँ इसी तरीके से, ठीक है ना। कभी भी हाफ क्लास में गियर को चेंज मत करना, हाफ क्लास में अगर गियर चेंज करते हो ना तो क्लास डिस्क जलने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। तो भाई क्लास डिस्क बचाना है, इंजन को नहीं खोलना है, तो फुल क्लास करो उसके बाद गियर शिफ्ट करो। हाफ क्लास में भी हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपका जो क्लास डिस्क है ना वो ख़राब होता है। हाफ क्लास करने के बाद थोड़ा एक्सलेटर दे दो भाई, चला जाएगा, देखो हो गया। फुल क्लास करके गियर शिफ्ट करो, ऐसे ऐसे गियर शिफ्ट करो। अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो आपका बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्लास्टिक्स का कोई इशू नहीं आएगा। ज़्यादातर मैंने देखा है कि आजकल के जितने भी बिगिनर राइडर है ना, अपना क्लच प्लेट जो है ना वो जला लेते हैं। तो भाई ऐसे स्मूथली गियर जो है ना उसको शिफ्ट करो, तो आपका गाड़ी जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा। वैसे मैं आजकल थोड़ा बहुत फ्लिपकार्ट में काम करने लगा हूँ, एंड उससे रिलेटेड जो है ना वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। मैं सोच रहा था कि उससे रिलेटेड व्लॉग वैसे आना चाहिए, थोड़ा अलग अलग करना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्टेंट में जो है ना इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, ठीक है ना। फुल एक्सलेटर, एक्सलेटर छोड़ दो, क्लच पकड़ो, आप शिफ्ट करो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ो, थोड़ा थोड़ा एक्सलेशन दे दो, भाई चलेगा गाड़ी। ऐसे ही आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से करना है, स्मूथली, कोई झटका नहीं देगा, ऐसे करने से आपका गाड़ी भी ख़राब नहीं होगा। तो ये तो हो गया गाइस अप शिफ्टिंग, अभी मैं आपको डाउन शिफ्टिंग जो है ना वो दिखाऊंगा। अभी थोड़ा रास्ता ख़राब है यहाँ पे, डाउन शिफ्टिंग भी देखना चाहिए आपको। अभी मैं क्या करूँगा, एक्सलेटर छोड़ दूँगा, क्लच पकड़ूँगा, डाउन शिफ्ट करूँगा, उसके बाद थोड़ा क्लच छोड़ूंगा, फिर एक्सलेशन करूँगा। तो ऐसे होता है डाउन शिफ्टिंग भी। बाकी इस जगह में आने के बाद ऐसे सुलाने का मज़ा आता है, देखो प्रॉपर लीन भाई। बाप रे बाप, कैसे कैसे लोग रहे थे यार, पूरा रॉन्ग साइड आया था यार, उड़ा देता था ये बंदा मुझे, डर गया था मैं, कसम से बोल रहा हूँ, लिटरली पूरा डर गया था। जैसे उस गाड़ी को रॉन्ग साइड में देखा ना भाई, पूरा डर गया था मैं। ऐसे मत करो यार, आप बड़ा गाड़ी बैठ लो, डब्बे के अंदर बैठ लो, आप सेफ हो भाई, दो चक्के को ऐसा मत करो यार, थोड़ा जगह दो चक्के के लिए भाई। बहुत रिक्शे भाई, लाइफ सबका बराबर है, ठीक है ना। देखो ये चलाने का अपना अपना तरीका है, मेरा ये 150 बाइक है तो इसका आरपीएम लिमिट थोड़ा अलग है, आपके पास कितना सीसी का बाइक है उसका भी आरपीएम लिमिट थोड़ा अलग होगा। तो सभी बाइक में अलग अलग तरीका इस्तेमाल होता है, थोड़ा मतलब 19-20 होता है, आपको एडजस्ट करना चाहिए वो चीज़, ठीक है ना, सभी बाइक में ऐसा होते रहता है। मैं तो भाई 4000 आरपीएम पे ठीक होता था मेरा, मतलब गियर शिफ्टिंग का आप शिफ्टिंग का प्रोसेस वही है, 4000 आरपीएम पहुंच जाएगा, आप शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, देखो फिर से 4000 आरपीएम पे आप शिफ्ट करूँगा। ये देखो 4000 जा रहा है, मेरा पास नंबर भी 4000 पे खा रहा है पहाड़ पे। अगर आपका बाइक 150 सेगमेंट का है, 180 सेगमेंट का है, तो थोड़ा लिमिट जो है ना वो थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है ना। बाकी आप एडजस्ट करो उसको, वही मतलब सेम है, उतना ज़्यादा फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो तिमी किना, वेयर आर यू गोइंग ब्रदर, वेयर आर यू गोइंग? हाँ, ये कौन सा मॉडल का है? 2021। ये तो तुम लगाए ना? हाँ ये तो हम लगाए, अच्छा दिखता है थोड़ा, पीछे वाला अच्छा दिखता है, एलॉय से ना, एलॉय में ये सब लगाने का क्या जरूरत है? अच्छा इसमें 150 का क्या है, मतलब माइलेज अच्छा है इसका, कितना देता है? 50 तो दे देता है, 50 देता है। ओ N160 ठीक है, टायर छोटा है इसका, थोड़ा छोटा है। हम लोग इसीलिए एक है, कितना है, कहां आ गया, आप रिलेशन का आगे से नहीं है। 50 में हम ले लेंगे।
ओहो, वैसे दोस्त मिल गया, गप्पे मार रहा था, भूल गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था तो होता है कभी कभी गाइस। सो होप गाइस आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है बिगिनर्स के लिए। अगर आप प्रो राइडर हो तो आपका भाई बहन जो भी बाइक चलाते हैं भाई, उसको ये वीडियो जो है ना वो टैग करो, शेयर करो, कुछ भी करो यार। एंड चैनल पे नहीं है तो भाई चैनल का जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दो, हक दो, जो भी करो भाई, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली एक मस्त वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे होम एंड ऑलवेज राइड सेफ माय ब्रदर, डोंट ट्रैवल योर मदर। चलो पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो।